नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा से रवाना हुए। इस दौरान छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा से कर्नाटक राज्य के लिए रवाना हुए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ दो दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां विभिन्न कार्यक्रमों पर शामिल हुए थे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा बड़ी मेहनत और तपस्या राहुल गांधी जी का बड़ा त्याग है। यह यात्रा पूरे देश में संदेश देंगे और लोगों को एहसास हो रहा कि आज भारत की क्या स्थिति है या भारत में विभाजन प्रयास हो रहा है। और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बड़ी मेहनत की है और बड़ी तपस्या एवं राहुल गांधी का बड़ा त्याग है, यह तो मेरे बस की बात नहीं। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। कमलनाथ जी दोनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज बिलारी जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मेरा प्लान तो पहले से था कि मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट करूँ, लेकिन समय का अभाव था, यहाँ छिंदवाड़ा में चुनाव था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। आज मैं और कमलनाथ जी बिलारी जा रहे हैं कर्नाटक, वहाँ राहुल जी के साथ हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल यात्रा है। असर पड़ेगा इससे आपको लगता है देश में? बहुत असर पड़ेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह मीडिया चैनल इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, इससे डेफिनेटली प्रभाव पड़ रहा है। और ये तो अभी दक्षिण से शुरू हुआ है, जब तक ये मध्य भारत, जब ये बुरहानपुर में आएंगे, इंदौर में आएंगे, इसका इफेक्ट और भी बढ़ेगा। पूरे देश में एक संदेश दे रही है और लोगों को एहसास हो रहा है कि आज भारत की क्या स्थिति है या विभाजन का प्रयास कर रहा है। राहुल जी का संदेश बहुत दूर तक पहुंचा। राहुल जी जो लगातार पैदल चल रहे हैं एक युवा नेता होने के कारण, वो कैसा गए मानते हैं? बड़ी मेहनत है, बड़ी तपस्या, बड़ा त्याग है। मेरे बस का तो है नहीं,